सर्वाइवर्स, शायद आपको पता हो कि हमारे हीरो नाकाम हो चुके हैं और अब दुश्मन शहर पर कब्जा जमाने लगे हैं। लोगों के साथ मिलकर आपको रिसोर्सेज मैनेज करने होंगे, अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और फ्रंट लाइन को सप्लाई पहुंचानी होगी ताकि आप खुद को दुश्मनों से बचा सकें। ऐसा करने के लिए लॉबी में न्यू एज आइकन पर क्लिक करें और सिटी में पहुंच जाएं। इसके बाद कमांड सेंटर में सप्लाई रन्स को ठीक से देखकर पता लगाएं कि आपको क्या करना है। शुरुआती स्टेज में हर सप्लाई रन्स को अलग अलग तरह के और अलग अलग मात्रा में रॉ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें तीन तरीकों से हासिल किया जा सकता है। पहला तरीका, हर तरह का रॉ रिसोर्स उनसे जुड़ी चार फैक्ट्रियों में पहले से तय टाइम पीरियड के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। आप अपने दोस्तों के पास जाकर भी उनके सिटी से रॉ रिसोर्सेज उठा सकते हैं। आखिरी तरीका है, चार फैक्ट्रियों में मौजूद रॉ रिसोर्सेज को फ्यूल शार्ड्स के बदले में लिया जाए। आप डेली मिशन, डेली लॉगिन चैलेंज और रेगुलर इन गेम एक्टिविटीज से फ्यूल शार्ड्स हासिल कर सकते हैं। सप्लाई रन्स पूरा होने पर आपको तीन खास चीजें मिलेंगी, कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, न्यू एज टोकन्स और कॉन्क्रीट। कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिखाते हैं आपके सिटी मैनेजमेंट स्किल्स, तो दिखाइए अपने दोस्तों को कि आप कितने अच्छे प्लानर हैं। न्यू एज टोकन्स के बदले सिटी स्टोर से आइटम लिए जा सकते हैं। स्टोर से आप करीब आते दुश्मनों से लड़ने के लिए वेपन और प्रोटेक्टिव गियर खरीद सकते हैं। कॉन्क्रीट टाउन हॉल को लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अनलॉक हो जाती है। इसकी मदद से आप चार फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। समय बीतने के साथ सप्लाई रन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। इसके लिए ज्यादा रॉ रिसोर्सेज की जरूरत होगी और साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट से ज्यादा प्रोसेस्ड मटेरियल्स की भी जरूरत होगी। कम शब्दों में, दुश्मन से लड़ने के लिए मैन पावर और रिसोर्सेज का सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि आपको जरूरत के हिसाब से हथियार और प्रोटेक्टिव गियर मिले।